हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो का मकसद केवल लाइक और सब्सक्राइब करवाना नहीं है। आज के इस वीडियो बनाने का कारण बहुत बड़ा और बहुत ही संवेदनशील है, और मैं यह चाहता हूं कि आज के मेरे इस वीडियो से आप लोगों तक कुछ खास बातों को पहुंचा सकूं। भारत एक बहुत ही वैभवशाली देश रहा है। भारत में बहुत सारे अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग वेशभूषाएँ हैं, और सबसे बड़ा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर एक महत्वपूर्ण डिसीजन जनता और पब्लिक्स के द्वारा लिया जाता है। मगर अगर हम गौर करें तो भारत क्या सच में अब वैभवशाली देश रहा है? क्या सच में यह अब सोने की चिड़िया कहने योग्य है? क्या सच में भारत विकास की राह पर चल रहा है? और अगर आप इस प्रश्नों को सोचकर जवाब देंगे तो शायद आप यह कहेंगे कि भारत अब बिल्कुल भी सोने की चिड़िया कहने योग्य नहीं है। मगर यह कहना जल्दीबाजी भी हो सकती है, तो क्यों ना हम अपने भारत के इतिहास और अब के विकास के बीच में कुछ खास बातों को गौर कर लें। भारत का इतिहास विश्व भर में सबसे धनी इतिहासों में से एक है। गौरतलब है कि भारत का इतिहास सबसे पुराना भी है। दरअसल यह वही भूमि है जहां बहुत सारे महान व्यक्तियों का जन्म भी हुआ है, जैसे बुद्ध, महावीर, आर्यभट्ट, नागार्जुन, कलाम, सतीश धवन, साराभाई, चाणक्य, विवेकानंद, परमहंस, ज्योतिबाई फुले और ना जाने कितने महान रत्नों ने भारत देश को अपनी कर्मभूमि बनाई है। इतिहास के वक्त में भारत सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, मगर यहाँ कोई सोने की खान या हीरे की खान नहीं थी जैसे कि अफ्रीका और इजिप्ट देशों में था। तो फिर क्यों इतिहासकार हमेशा यह जिक्र करते थे कि भारत सोने की चिड़िया है? दरअसल भारत की भूमि में यह बात थी कि इतिहासकारों को इस पवित्र भूमि को सोने की खान कहकर उपनाम देना पड़ा। यहाँ की मिट्टी बेहद उपजाऊ थी और बेहद फसल योग्य थी। माना कि इतिहास में भारत बहुत सारे अलग अलग शासकों का गुलाम भी रहा है, मगर इसकी वातावरण, इसकी मिट्टी कभी भी किसी का गुलाम ना बन सकी। प्रायद्वीपीय महाद्वीप में होने की वजह से यह सदैव किसानों को लाभ और लोगों के स्वास्थ्य अनुकूल बनी रही। भारत के लोगों की औसत आयु 7 या 8 दशक से कम न रहती थी। यहाँ का जलवायु, पर्यावरण, नदियाँ, पहाड़, मिट्टी, सभी कुछ बेहद स्वस्थ और शुद्ध था। मगर अब जब हम 21वीं शताब्दी की नई पीढ़ी में पहुँच चुके हैं तो हम यह पाते हैं कि भारत अब वो भारत नहीं है जो 5 दशक पहले हुआ करती थी। आखिर इन 5 दशकों में भारत में ऐसा क्या हो गया जो इतना कुछ बदल डाला? तो इसका जवाब है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का सबसे सुंदर शब्द है, मगर इसे पाने की चाह ने भारत को सबसे कुरूप देश बनने पर मजबूर कर डाला। विकास करना संसार का और प्रकृति का प्राकृतिक स्वभाव है। बीज भी विकास होने पर मीठे फल देता है, मगर डेवलपमेंट बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी अपने साथ लाती है और उसका सीधा असर हमारे वातावरण पर देखने को मिलता है। आज हम जहां देखते हैं, जिधर भी नज़रें जाती हैं, हर तरफ प्रदूषण और बीमारियां नज़र आती हैं। एक समय था जब लोग गंगा की पूजा करते थे, उसे पवित्र नदियों का दर्जा प्राप्त था, मगर लोग नदियां के पानी जैसे मीठा जल पीते थे। मगर आज अगर हम किसी व्यक्ति को गंगा का पानी पीने के लिए बोले तो क्या वो पी सकता है? बिल्कुल नहीं। बच्चा यह जानता है कि नदी का पानी प्रदूषित होता है, और यही कारण है कि हर तरफ शहरों में और शहरों के मकानों में अगर हम देखने जाएं तो हमें वाटर फिल्टर नज़र आएगा। और इन सब का कारण केवल और केवल मीनिंगलेस डेवलपमेंट है। हम सारे नदियों को प्रदूषित कर चुके हैं, यहाँ तक कि सागर और महासागरों को भी नहीं छोड़ा। नदी तो नदी, हमने तो जीवन व्यापी हवाओं को भी पूरी तरह से प्रदूषित और जहरीला बना डाला है। दिल्ली जैसी राजधानी में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर को घरों में रखते हैं जिससे उन्हें पर्यावरण का प्रदूषित वायु ना लेना पड़े।
इस प्रदूषण से मिट्टी कैसे दूर रह सकती है। सोने की खान कहे जाने वाली यहाँ की मिट्टी अब तरह तरह की केमिकल का घर बन चुका है, मगर हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हम इन केमिकल्स में भी अच्छे अच्छे और हाइब्रिड फसल उगा रहे हैं। माना कि उस फसल को खाने से हम तरह तरह की रोगों से ग्रसित हो रहे हैं, मगर हमारे पास धन तो है ही, जिससे इलाज करवाने में व्यर्थ कर सकते हैं। ऐसे डेवलपमेंट से क्या लाभ जो हमारे लिए केवल और केवल हानि ही लेकर आए। मैं डेवलपमेंट के विपक्ष में नहीं हूँ, डेवलपमेंट जरूरी है, सारे देशों में डेवलपमेंट होती है, जैसे अमेरिका, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मगर अगर हम उनके डेवलपमेंट पर नज़र डालें तो हमें डेवलपमेंट का असली मतलब समझ में आ सकता है। दरअसल जितने भी विकसित देश हैं वे केवल अर्बनाइजेशन और गांवों को शहर में तब्दील करना ही केवल विकास नहीं समझते, वे नेचर और नेचुरल वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रकृति से खिलवाड़ करना बेहद महंगा और जानलेवा साबित हो सकता है। मगर भारत देश में हम प्राकृतिक संचयन ना करके केवल अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने में फोकस करते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ना ही प्रकृति के लिए, ना ही आने वाली पीढ़ी के लिए। जैसे हम डायनासोर्स को केवल किताबों में देख पाते हैं, ठीक उसी तरह अगर हम प्रदूषण पर लगाम ना लगाएं, तो वे दिन दूर नहीं जब हम पेड़ों, पहाड़ों, मिट्टी, चांद और नदियों के केवल किताब में ही देख पाएंगे, क्योंकि प्रकृति बहुत ही विशाल अंग है इस पृथ्वी का, और प्रकृति ही पृथ्वी को रहने योग्य बनाती है। इसीलिए हमें इनकी रक्षा का उपाय सोचना ही होगा। विज्ञान ने कुछ दशकों में बहुत ऊंचाइयां हासिल कर ली हैं, और अगर हम इस विज्ञान का प्रयोग केवल किताबों, डिबेट, यूएन के भाषणों में केवल लेक्चर देने में प्रयोग ना करके प्रैक्टिकल तरीकों को खोजने में लगाएं, तो शायद हम अपने प्रकृति को फिर से खुशहाल बना सकते हैं। मगर विज्ञान से अधिक हमें खुद ये भार लेना होगा, हमें खुद इस प्रकृति का ख्याल करना होगा, हमें खुद आगे बढ़ना होगा। कोई हमें जागरूक नहीं कर सकता, कोई सरकारी अभियान हमें प्रेरित नहीं कर सकता, वे सब केवल दिखावटी बातें हैं। हमें खुद अपने इस प्रकृति को अपनी संपत्ति समझनी होगी, जितना हो सके खुद को समझाना होगा, तभी हम इसे पुनर्जीवित कर सकते हैं। क्योंकि चाहे वैज्ञानिक कितने भी नए ग्रहों को क्यों ना ढूंढने में लगे हों, पृथ्वी जैसा जीवन अनुकूल ग्रह इस पूरे ब्रह्मांड में मिलना मुश्किल है। इस पृथ्वी ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब हमें इसकी परवाह करनी होगी। पृथ्वी पर अब जन्म लेकर केवल धन व्याप्त करना और मजे से भोग विलास करके मर जाना ही केवल जिंदगी नहीं होती है, हमें अपने इस प्रकृति के लिए भी हमारे कुछ फर्ज बनता है। जिस मिट्टी ने हमें जीवन दिया है, जिस जल ने हमारी प्यास बुझाई है, जिस पेड़ों ने हमें वायु दिया है, उन सभी से हमारे जन्मों जन्मों का संबंध है, और इसका कर्जदाई इस पृथ्वी का हर एक इंसान रहा है। केवल भारत माता की जय जयकार करने से कुछ लाभ ना होगा, हमें खुद को संकल्पित करना होगा कि आज से और अभी से हम प्राकृतिक प्रदूषण को कम करेंगे, और जिस दिन इस पृथ्वी का हर एक इंसान यह संकल्प लेगा, उस दिन से केवल भारत ही नहीं पूरी पृथ्वी सोने की चिड़िया बन जाएगी। मेरे आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल आप लोगों को जागरूक करने से है। सो प्लीज़ बी अवेयर एंड कंट्रीब्यूट योर सेल्फ टू सेव आवर एनवायरनमेंट एंड आवर डायनामिक अर्थ। थैंक यू।